एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों ये देखिए हमारा जो बूट लाइट है काफ़ी दिन से जल नहीं रहा है, तो चलिए इसको हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्यों नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है बूट लाइट जो यहाँ पर आता है, तो इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है, तो हम इसको निकाले हैं। ये स्प्रिंग के टाइप में काम करता है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा काम कर रहा है। तो ये बॉल तो अभी चेक नहीं किया हूँ कि ये ख़राब है कि क्या है, लेकिन इसका एलिमेंट सही बता रहा है हमको। हमको लग रहा है इसका जो एलिमेंट है वो सही बता रहा है, इसका जो एलिमेंट है वो सही बता रहा है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि अंदर गाड़ी वायरिंग में प्रॉब्लम है, गाड़ी के वायरिंग में प्रॉब्लम है, या इसका जो फ्यूज है उसका प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दिखा सकते हैं आपको, ये ऑन ऑफ स्विच है और ये ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और देखेंगे कि ये जो ऑन ऑफ स्विच है काम क्यों नहीं कर रहा है, और यहाँ से ख़राब है या गाड़ी का जो फ्यूज बॉक्स होती है वहाँ से प्रॉब्लम है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक देसी जुगाड़ के टाइप में ये बॉल बनाए हैं चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये देसी जुगाड़ के हिसाब से हम बनाए हैं, ये वाला जो प्लस वाला पॉइंट है और ये काला वाला माइनस वाला पॉइंट है। तो इससे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं करंट आ रहा है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं दो तार लगा है, और ये देखिए ये वाला जो है प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो इसको हम पहले चेक करते हैं। तो ये माइनस वाला हम इसमें लगाते हैं, और यहाँ पर यहाँ से देखिए यहाँ से सप्लाई आया है माइनस वाला, तो माइनस तार यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो माइनस तार यहाँ पर लगा लिए हैं और इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए गाइस ऐसे हम चेक कर रहे हैं, तो देखिए गाइस यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक, ये सही है। और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच जो आप देख सकते हैं ऑन किया गया है, ऑन है, और यहाँ पर देखता हूँ कि करंट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइस करंट नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इस जो स्क्रूप है, जो ये वाला स्क्रूप है, इसको हम खोलते हैं और चेक करते हैं अंदर क्या है, ये कोई तार तो नहीं छूटा है या जो भी हो, अंदर चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है। हालांकि ये स्विच ख़राब नहीं होता है, ये दूसरे हिसाब से स्विच लगा रहता है। तो चलिए हम इसको पहले हम खोलते हैं। तो इसको साइड में हम रख देते हैं, और ये वाला पतला वाला स्क्रू ड्राइवर से हम इसको खोलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है हमारा टूल्स, तो इसको हम पहले खोलते हैं। ये वाला स्विच हम निकाल लेते हैं, ये वाला स्विच हम निकाल देते हैं साइड में। तो आप देखिए स्विच हम निकाल दिए, और इसको हम रख कर खोलते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट पहले खोल लेते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं ये वाला जो स्क्रूप है इसको खोल रहे हैं, और खोल के हम देखते हैं कि अंदर क्या है। तो इसे देखिए हम इसको खोल लिए, और कमेंट भी हमारे पास आया था कि सर बूट लाइट जो है वो जल नहीं रहा है, उसको ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए हम इस वीडियो में थोड़ा लंबा नहीं करता हूँ और डायरेक्ट इजीली दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक जो साइकिल का छारा के टाइप में ये होता है, ये वाला है, आप देखिए इसमें ये साइकिल का जो छारा होता है ये वाला है, और ये बिल्कुल मूर्छा पकड़ लिया है, ये वाला जो छारा है मूर्छा पकड़ लिया। तो छारा को यहाँ पर पलटी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला छारा है जो बिल्कुल मूर्छा पकड़ लिया है। तो इसको हम साफ करके लगाते हैं और देखते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो छारा है यहाँ पर सप्लाई देता है, आप देख रहे हैं ऐसे रहता है और यहाँ पर सप्लाई देता है। तो चलिए इसको हम बताता हूँ, ये वाला पहले इधर देख लीजिए, और ये वाला बीच में यहाँ पर छारा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर दोनों जो ये दोनों में टचिंग होता है तो करंट मिलता है बॉल को, तो बॉल जलता है। तो इसको हम पहले साफ़ करते हैं, जो छारा है इसको हम साफ़ करते हैं। तो साफ़ कैसे करेंगे, इसे साफ़ कर लेते हैं, इसमें इसे हम रेती बोलते हैं ऐसा है,
और इसको आसानी से ऐसे करके साफ कर लेगा। अभी मार्केट में हम जाते तो मिल जाता, लेकिन इसमें हम साफ कर लेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया है, पहले के जैसा हो गया है, नया एकदम हो गया। और ये वाला जो है इसको भी हम हल्का साफ कर लिए हैं, इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसको भी हम पूरा थोड़ा थोड़ा घिस लिया हूँ, ये भी थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, ये स्विच जो आप देख रहे हैं, तो अब चलिए हम इसको लगाते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं ये वाला जो स्विच है ऐसे करके लगेगा इसमें, तो देखिए इसमें ये लग गया। तो देखिए इसमें हम लगा दिए, और ये जो छारा है इसमें इस वाला स्प्रिंग पर रखेंगे और इसको हम ऊपर से लगा देंगे, और ये जो है यहाँ पर नट टाइट कर देंगे। तो चलो इसको टाइट करो, तो आप देख रहे हैं इस नट को हम टाइट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गया टाइट, और इसके बाद से इसको हम लगाते हैं, इसको लगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लग गया, और यहाँ से हम देख सकते हैं ऑन ऑफ जो स्विच है ये इजीली हो गया, यानी ये ढीला चल रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक और नॉट है यहाँ पर, थोड़ा टाइट कर ले रहा हूँ, ये भी थोड़ा टाइट कर ले रहा हूँ। एक और यहाँ पर नट दिया गया था, तो इसको भी टाइट हम कर देते हैं। चलो टाइट करो इसको, चलिए इसको फटाफट हम भी टाइट कर ले रहे हैं। अब उसके बाद से ये देखिए एकदम ढीला हो गया है। हम थोड़ा सा इसमें जो मशीन का जो तेल होता है उसको हम लगा दिए, तो ये देखिए कितना आसानी से ये खुल जा रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से निकल जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि इसमें करंट आया है या नहीं। तो पहले हम इसमें हम कर ले रहे हैं, इसमें लगा दे रहे हैं, और यहाँ से हम चेक करते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए गाइस लाइट आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से हम थोड़ा तार लगा देते हैं, और यहाँ पर देखिए लाइट जल रहा है, और जैसे हम इसको, तो देखिए गाइस बिल्कुल चालू हो गया, ये सही हो गया। तो चलिए हम बॉल को लगाते हैं और चेक करते हैं कि बॉल हमारा ठीक जल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम बॉल को लगाते हैं यहाँ पर, और गाइस देख सकते हैं बॉल भी सही है, इसका भी देखिए ढीला है हल्का सा, इसको टाइट कर लगा, ये देखिए बूट लाइट जलना स्टार्ट हो गया, बंद हो जा रहा, लाइट आ जा रहा, यहाँ पर देखिए आ जा रहा है, बिल्कुल ये सही हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइट है बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा जल रहा है, और ऐसे कर दे रहे हैं तो बुझ जा रहा है, और ऐसे जल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।